हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे चौली की मजेदार सब्जी। चौली में काफ़ी मात्रा में प्रोटीन्स और विटामिन्स रहते हैं, इसके लिए ये हेल्थ के लिए काफ़ी फायदेमंद है। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये कम इंग्रेडिएंट्स में फटाफट बन जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। और दोस्तों, आज की बोनस टिप जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। अगर आप मेरी चैनल से जुड़े हुए हैं तो लाइक करें और नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चौली की सब्जी बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप ड्राई चौली। चौली को मैंने 2-3 पानी में अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम चौली में 1/2 ग्लास पानी ऐड करेंगे, फिर इसे 7 से 8 घंटे के लिए भिगाने के लिए रख देंगे। आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं। 8 घंटे हो गए हैं, ये देखिए हमारी चौली अच्छे से भीग गई है। चौली में मैंने चुटकी नमक ऐड करके कुकर में मैंने 5 से 6 सीटी लगा के बॉईल कर लिया है। चौली की सब्जी बनाने के लिए मैंने लिया है 1 चॉप्ड ऑनियन, 1 चॉप्ड टमाटर, फिर मैंने लिया है 2 चम्मच ऑयल, 1/2 चम्मच राई, 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, फिर मैंने लिया है 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और 5 से 6 कड़ी पत्ता, 6-7 लहसुन की कली जिसे मैंने बारीक कट कर लिया है, 1/2 चम्मच धनिया जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच किचन किंग मसाला और स्वाद अनुसार नमक। अब हम एक पैन में ऑयल गरम करेंगे। ऑयल गरम हो जाए फिर इसमें राई डालेंगे। यहाँ गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। राइस क्लटर हो जाए फिर इसमें जीरा ऐड करेंगे। जीरा हल्का ब्राउन हो जाए फिर इसमें लहसुन, हरी मिर्च और कड़ी पत्ता ऐड करेंगे। फिर इसमें ऑनियन ऐड करेंगे। ऑनियन को थोड़ी देर चलाते रहेंगे। ऑनियन ट्रांसपेरेंट हो जाए फिर इसमें टमाटर ऐड करेंगे। फिर सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें 1 by 1 सारे मसाले ऐड करेंगे। फिर सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। हरी मिर्च और लाल मिर्ची पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अगर आप तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप किचन किंग मसाला की जगह गरम मसाला भी इसमें ऐड कर सकते हैं। सारे मसाले ऑयल में अच्छे से सीख जाए फिर इसमें हम चौली ऐड करेंगे। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करके फिर से सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें 1/2 कप पानी ऐड करेंगे, फिर सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसे ढक के 4 से 5 मिनट होने देंगे। तो फ्रेंड्स, आपने देखा इसे बनाना कितना आसान है। ये देखिए हमारी मज़ेदार और टेस्टी चौली की सब्जी बनके तैयार है। अब हम इसे एक बाउल में सर्व करेंगे। आप इसे भाखरी, रोटी, चपाती, कुलचा, नान और चावल के साथ भी खा सकते हैं और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, आप मेरी ये रेसिपी घर पर ज़रूर ट्राई करें और मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए।
अब मैं आपको बताऊंगी आज की बोनस टिप। चौली की सब्जी में आप टमाटर की जगह आमचूर पाउडर या नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं। इसे भी आपकी सब्जी टेस्टी लगेगी। और दोस्तों, मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और यूनिक रेसिपी के साथ। स्टे सेफ एंड बी हैप्पी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।